बैठिए। ये मैं पहली बार कह रहा हूँ, मुझे 5 साल कहने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। ओम बिरला, ये नाम तो सुना ही होगा। वही ओम बिरला जिन्होंने विपक्ष के करीब 100 सांसदों को एक साथ संसद से बाहर कर इतिहास रचा था। वही ओम बिरला जो राहुल गांधी या विपक्षी सांसदों के बोलने पर उनका माइक बंद करा देते। वही ओम बिरला जो विपक्षी सांसदों को बोलने ही नहीं देते। अभी भी याद नहीं आया? अरे ये वही ओम बिरला है जब राहुल गांधी संसद में बोलते हैं तो टीवी के स्क्रीन पर इनका ही चेहरा दिखाई देता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आज अचानक मैं ओम बिरला की बात क्यों कर रही हूँ, इनकी याद मुझे क्यों आ गई। याद इसीलिए आई क्योंकि एक बार फिर ओम बिरला को लोकसभा स्पीकर चुना जा चुका है। विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड करने के मामले में ओम बिरला रिकॉर्ड बना चुके हैं। मोदी राज में स्पीकर पद के लिए इससे बड़ी योग्यता और क्या चाहिए। जो स्पीकर सरकार के इशारों पर सदन में काम करता हो, मोदी जी को इससे ज्यादा और क्या ही चाहिए। बस इन्हीं खूबियों को देखते हुए ओम बिरला को दोबारा स्पीकर चुन लिया गया। लेकिन राहुल गांधी ने पहले ही साफ कर दिया है कि इस बार मनमानी नहीं चलेगी, संसद संविधान के हिसाब से ही चलेगा। मोदी जी की मनमानी या तानाशाही से। दिस इलेक्शन हैज शोन दैट द पीपल ऑफ इंडिया एक्सपेक्ट द ऑपोजिशन टू डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन द संविधान ऑफ दिस कंट्री। इस बार मोदी जी स्पीकर की आड़ में सवालों से भाग नहीं सकेंगे। उन्हें विपक्ष के सवालों का सामना करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा।